नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और हम जो सीरीज चला रखे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की, हमने 38 धाराएं तो हमने कंप्लीट कर ली है। 38 के बाद 39 से 45 हम इस वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन यह है कि हम इस वाले जो हम सीरीज जो चला रखी है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 वाली, हम इसको कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट पूरी जो भी हमारे सिलेबस के अंदर है, ई और आर ओ की जो सिलेबस है उसके अंदर जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी पार्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री। तो आप चैनल पे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए। और इसकी पीडीएफ है जो आपको गवर्नमेंट गुरु 2.0 के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप वहाँ पे भी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले धारा 39, हमने धारा 38 में पढ़ा था कि सदस्यों का त्याग पत्र किस प्रकार होता है। हम बात करते हैं धारा 39, सदस्यों का हटाया जाना, ठीक है। धारा 39 में लिखा हुआ है सदस्यों का हटाया जाना। राज्य सरकार उपधारा 3 और उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका के किसी भी सदस्यों को निम्न आधारों पर हटा सकेगी। मतलब राज्य सरकार उपधारा 3, कौन सी उपधारा, उपधारा 3 और उपधारा 4 के अधीन रहते हुए किसी भी नगर पालिका के सदस्य को हटा सकेगी। देखिए उपधारा 1 में क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 माह से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है। मतलब कोई भी सदस्य अगर नगर पालिका की जो बैठकें होती है साधारण सभा की, उसमें अगर लगातार 3 बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है तो उसे हटा सकती है ना इसमें। परंतु कोई सदस्य विचाराधीन कैदी या राजनीतिक कैदी, मतलब कोई अगर सदस्य है, कोई मेंबर है, पार्षद है, अगर उसको कोई जेल हो गई है, जेल होने के कारण वो 3 बार की बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाया तो उसको नहीं हटाएंगे, ये अलग रीजन हो गया। लेकिन अगर वो साधारण रूप से कोई रूप से, मतलब उपस्थित नहीं होता है बैठकों में, तो उसे हटाया जा सकता है। उपधारा 2 में क्या लिखा है, धारा 37 के उपबंधों को पूरा करने में विफल रहता है। तो धारा 37 के उपबंधों को विफल रहता है, मतलब पूरा करने में। धारा 37 में क्या लिखा हुआ था, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, शपथ, सदस्यों की जो शपथ होती है, अगर उन शपथ के कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है तो उसको हटाया जा सकता है। उपधारा 3 के अंदर क्या लिखा, धारा 14 और 24 में वर्णित निर्भरता है उपगत कर ली है तो उसे हटाया जा सकता है। तो धारा 14 और 24 में जो है, अगर जो धारा 24 और 14 में जो अयोग्यता बता रहा है सदस्य के लिए कि कौन कौन सदस्य अयोग्य होगा, अगर उसने कोई भी एक अयोग्यता हासिल कर ली है, ठीक है, तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। धारा 14 और 24 अपन ने पढ़ ली है, आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। चौथी उपधार क्या है, वह जानबूझकर कर्तव्य का पालन नहीं करता है, मतलब वह जानबूझकर कि कर्तव्य को पालन नहीं करता है तो उसे हटाया जा सकता है। वह कर्तव्य पालन में असमर्थ रहता है या अवचार का दोषी होता है, अयोग्यता हासिल कर लेता है तो पद का दुरुपयोग करता है, मतलब उसे अगर वह कर्तव्य पालन नहीं करता है या दुराचरण करता है या अयोग्यता हासिल किसी प्रकार से उसने कर ली है या दुरुपयोग कर रहा है अपने पद का, तो उसे हटाया जा सकता है ना। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार जांच कराएगी जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी या राज्य सेवा की रैंक से नीचे का नहीं होगा। मतलब अगर वह ऐसा पाया जाता है तो राज्य सरकार क्या करेगी, जांच कराएगी। और जांच किससे कराएगी, या तो सेवानिवृत्त कोई अधिकारी होगा और या फिर राज्य सेवा का ना, राज्य सेवा के रैंक से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा। मतलब कम से कम आरएस तो रहेगा, सीनियर आरएस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उससे वो जांच कराएगा और संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाएगा। जांच जब होगी तो संबंधित जो सदस्य है उसको स्पष्टीकरण कि भाई साहब कि तुम्होंने जो है मर्यादा तोड़ी, हम तुम्हें अयोग्य घोषित कर रहे हैं, तो आप अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अगर वो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा फिर वो, ठीक है। राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या नगर पालिका से प्राप्त रिपोर्ट राज्य सरकार की जानकारी में आए तथ्यों के आधार पर किया जा सकेगा। मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार को अगर लगता है, खुद स्वप्रेरणा ले ली है कि ये सदस्य जो है दुराचारी है या अवचारी है या कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है ना, या फिर नगर पालिका से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है सरकार को, तो उक्त तथ्यों के आधार पर वो है राज्य सरकार जांच करवाएगी, इसका मतलब ये है ना। परंतु राज्य सरकार द्वारा सदस्य को हटा दिए जाने का आदेश
न निकाला जाए तब तक सदस्य पूर्ण शक्तियों के साथ कार्य करेगा। इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार अगर आदेश जब तक नहीं निकाल देना कि ये जो है जो सदस्य है, ये जो सदस्य है, राज्य सरकार जब तक आदेश ना निकाल दे कि ये सदस्य को हटाया जाना है, तब तक मतलब जांच जब तक प्रक्रियाधीन है तब तक वह अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ कार्य करेगा। इसका मतलब यह है, सदस्यों का स्पष्टीकरण सुनने के बाद राज्य सरकार आरोप वर्णित करते हुए एक विवरण तैयार करेगी। क्या करेगी? एक रिपोर्ट, मतलब विवरण मतलब रिपोर्ट तैयार करेगी। सदस्य अपना स्पष्टीकरण देगा तो उस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जो है राज्य सरकार आरोप वर्णित करेगी, मतलब आरोप लगाएगी, आरोपों की जांच करके आरोप को सिद्ध करेगी और एक विवरण मतलब रिपोर्ट तैयार करेगी। और उक्त विवरण मतलब उक्त रिपोर्ट जो रिपोर्ट तैयार करी है वह जिला न्यायाधीश की रैंक के किसी भी न्यायिक अधिकारी को सौंपी जाएगी। वो रिपोर्ट मतलब कोई भी जिला न्यायाधीश होगा, जिला न्यायाधीश रैंक का कोई अधिकारी होगा तो उसको वो जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वही जो जिला अधिकारी है, जिला न्यायाधीश है, वह उसको जांच करेगा। मतलब राज्य सरकार मतलब क्या है, राज्य सरकार ने एक नियुक्त कर दिया कौन, अधिकारी जो कि राज्य सेवा का अधिकारी है, वह जांच करेगा। ठीक है, उसे सदस्य से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात क्या होगा, सरकार आरोपों को वर्णित कर देगी और अपनी रिपोर्ट किसको दे देगी, जिला न्यायाधीश को। जिला न्यायाधीश को देने के बाद क्या होगा कि जिला न्यायाधीश जांच करेगा उस रिपोर्ट की, रिपोर्ट की जांच करने के बाद जांच निष्कर्ष पर पहुंचेगा, निष्कर्ष राज्य सरकार को वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, नियुक्त जो न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश है, उक्त आरोपी की जांच करेगा और संबंधित सदस्य को सुनेगा, मतलब संबंधित सदस्य से वो भी स्पष्टीकरण मांगेगा और वर्णित आरोपों की जांच करके निष्कर्ष निकालेगा। और जो निष्कर्ष निकलेगा ना वो राज्य सरकार को भेज देगा। कौन? जिला न्यायाधीश। राज्य सरकार या तो पुनः जांच कराएगी, राज्य सरकार को लगता है कि नहीं ये जांच पूरी नहीं हुई, असंतुष्ट है राज्य सरकार, तो वह जांच पुनः कराएगी या फिर उस पे जांच पर अंतिम निर्णय दे देगी। ठीक है, इस तरह से ये जो है हटाने की प्रक्रिया है। न्यायिक अधिकारी प्रक्रिया के दौरान ऐसे नियमों का पालन करेगा, मतलब न्यायिक अधिकारी जो प्रक्रिया चलेगी उसके द्वारा ऐसी प्रक्रिया का या ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा जो राज्य सरकार विहित करे, या और वही सारी शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो वर्णित है ना प्रक्रिया, उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जांच करते समय। जैसे समन जारी किया जाएगा, मतलब सदस्य को बुलाने के लिए हाजिर होना पड़ेगा, शपथ दिया जाएगी, शपथ पत्र लिया जाएगा, सबूतों की जांच करी जाएगी, सबूतों को ग्रहण किया जाएगा, तो इस तरह से जो है जिलाधिकारी जिला न्यायाधीश जांच करेगा। ठीक है, राज्य सरकार सदस्यों को जांच के दौरान या अंतिम आदेशों तक निलंबित भी कर सकती है, या राज्य सरकार को लगता है कि नहीं इसको तो सदस्य को निलंबन करना ही पड़ेगा जांच के लिए, तो उस सदस्य को निलंबित भी कर सकती है। निलंबित सदस्य नगर पालिका की किसी भी कार्यवाही में भाग लेगा। देखो दो चीज है यहाँ पे, पहले ऊपर बताया गया था कि सदस्य है ना जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती या राज्य सरकार अंतिम आदेश नहीं दे देती तब तक वह शक्तियों का प्रयोग करेगा और बैठकों में भाग लेगा। ठीक है, अगर राज्य सरकार किसी सदस्य को निलंबित कर देती है, सस्पेंड कर देती है, तो वह शक्तियां का उपयोग नहीं करेगा, ना ही किसी भी जो है बैठक में भाग लेगा। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है ना। अभी जैसे आपको पता हो ग्रेटर जयपुर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में दो जो है पार्षद को सस्पेंड किया गया था है ना, तो वो अपनी किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेते। ठीक, तो राज्य सरकार ये कर सकती है। धारा देखो, धारा में वर्णित नियमों के अधीन राज्य सरकार का प्रत्येक अंतिम निर्णय आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। मतलब किसी प्रकार का सरकार निर्णय लेती है तो उसको राजपत्र मतलब गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और वह अंतिम होगा, पर ऐसे किसी भी आदेश को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। ऐसे किसी भी आदेश को न्यायालय में प्रसंगत मतलब राज्य सरकार ने जो ऑर्डर दे दिया ना जांच के बाद, तो उसको ऐसे नहीं है कि वो न्यायालय में जो है उठाया जा सकता है उस मुद्दे को कि हम स्टे ले आते हैं ऑर्डर पे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, न्यायालय में उठाया नहीं जाएगा। न्यायालय में केवल और केवल जो याचिका दायर करेंगे ना, कौन से जो धारा है उसके अधीन अपन निर्वाचन याचिका दायर करते हैं, वो मैं पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो उसके अधीन अगर निर्वाचन याचिका दायर कर दी है तो उसके बाद तो जरूर प्रसंगत किया जा सकता है, लेकिन साधारण रूप में प्रसंगत नहीं किया जा सकता।
ठीक है, तो धारा 39 में ये सारी प्रक्रिया थी। अब चलते हैं धारा 40 में, क्या लिखा हुआ कि पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच। इसका मतलब क्या है, इसकी मतलब क्या है अभी समझते हैं। देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष या फिर कोई भी सदस्य, नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कोई भी सदस्य के विरुद्ध अगर जांच उसके कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी प्रारंभ की जा सकती है, मतलब किसी का 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट हो गया लेकिन बाद में पता चला ये तो अपने कर्तव्य का पालन करने में विमुख रहे, उनके खिलाफ जांच बैठ गई। तो जांच ऐसा नहीं कि कर्तव्य जो 5 साल की अवधि खत्म हो गई तो जांच नहीं बैठ सकती, जांच बाद में भी बैठ सकती है यदि जांच उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही। देखो क्या है, दूसरी चीज क्या है कि जांच अगर कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व, मतलब 5 साल का कार्यकाल था, 4.5 साल में जांच स्टार्ट हो गई है, तो भी कार्यकाल समाप्ति के पश्चात वो, मतलब 5 साल के बाद भी वो जांच जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक जारी रहेगी, है ना। देखो दो चीज है, एक तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद जांच चले, ठीक है, और एक कार्यकाल खत्म होने से पहले ही जांच चले, तो दोनों स्थिति में जांच करवाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिस पर पूर्व अवधि में जांच चल रही है, मतलब पहले से ही जांच चल रही है, और वह नई अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित हो जाता है, मतलब क्या, कोई सदस्य उपाध्यक्ष या अध्यक्ष इस वाले कार्यकाल में कोई जांच चल रही है और दोबारा चुनाव हुए और दोबारा कोई सदस्य जीत गया, है ना, तो नई जो अवधि में जो चुनाव हुए उसमें वह जीत गया तो पुनर्निर्वाचित हो गया, तो धारा 39 के वर्णित उपबंध लागू रहेंगे, मतलब जांच चलेगी, जो धारा 39 में वर्णित उपबंध नियम है ना, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़े हैं, उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, मतलब जांच तो होएगी होएगी, सीधी सी बात यह है, चाहे कुछ ही हो जाए, चाहे वो त्यागपत्र दे दे या फिर वो नई मतलब कार्यकाल उसका समाप्त हो जाए, जांच तो चलेगी चलेगी, ठीक है। धारा 41, नेक्स्ट देखो धारा 41 में क्या लिखा है, धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता, मतलब धारा 39 के अधीन अगर किसी सदस्य को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हटा दिया गया है तो उनकी निर्योग्यता मतलब क्या होगी। धारा 39 के अधीन हटा दिया गया हो तो धारा 40 के अधीन प्रतिकूल आदेश निष्कर्ष पारित कर दिया गया हो तो निष्कर्ष तारीख से, मतलब जो डिसीजन हुआ है उस तारीख से 6 वर्ष की कालावधि, मतलब 6 साल, ध्यान रखना 6 साल, 6 साल के लिए वह पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा, मतलब 6 साल के लिए उस पर बैन लग जाएगा, वह सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना, धारा 41 में लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, धारा 41 में लिखा हुआ है साफ साफ, वह चुनाव नहीं लड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं धारा 42, धारा 42 में क्या लिखा हुआ है कि किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और संसद, किसी नगर पालिका में सदस्य का पद संसद या राज्य की विधानसभा या किसी भी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बंध बनाए, मतलब क्या है, कोई भी सदस्य नगर पालिका का सदस्य है ना, नगर पालिका का सदस्य है, है ना, तो वह संसद, एक सेकंड, है ना, ये स्क्रीन हिल रही है थोड़ा, एक सेकंड में इसको ठीक करूं, तो वह संसद, है ना, विधानमंडल और पंचायती राज संस्थान, है ना, तो इन तीनों में से भी किसी एक का सदस्य इधर भी सदस्य हो गया तो क्या होगा कि ऐसी अवधि में, मतलब दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, कहने का मतलब यह है, देखो क्या क्या हो सकता है इसमें, कोई सदस्य एक साथ किसी नगर पालिका का सदस्य तथा संसद, विधानमंडल या पंचायती राज संस्था का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड देखो कि कोई सदस्य पहले से ही अगर संसद, विधानमंडल या पंचायती राज का सदस्य है, मतलब पहले से ही इसका सदस्य है, मान लो सांसद है या MLA है या फिर कोई पंचायती जो गांव में सरपंच है या मेंबर है, तो क्या होगा, ऐसा सदस्य नगर पालिका सदस्य भी निर्वाचित हो जाता है, मान लो इधर भी चुनाव लड़ा और इधर भी चुनाव लड़ लिया और वो जीत गया, तो ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह इधर से इस्तीफा नहीं दे दे। इसका मतलब क्या है, मतलब इधर का पहले से सदस्य था और इसने इधर चुनाव लड़के जीत गया, तो जब निर्वाचन हुआ है ना उससे 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, या तो इधर से इस्तीफा दे दे वो या इधर से इस्तीफा दे दे, अगर ऐसा होता है, नहीं है, वो इधर से इस्तीफा नहीं देता है, तो ये जो है ना इधर से
इसको खारिज कर दिया जाएगा, मतलब उसका निर्वाचन अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, वो केवल इधर का ही सदस्य रहेगा। कहने का मतलब ये है ना। दूसरी चीज क्या है, यदि कोई सदस्य पहले से नगर पालिका का सदस्य है तो संसद विधानमंडल पंचायती राज में निर्वाचित होने पर 14 दिवस में त्यागपत्र देना होगा, है ना। मतलब इसका क्या है कि कोई पहले से ही इसका सदस्य है और बाद में इसका सदस्य चुन लिया जाता है, पहले से ही नगर पालिका का सदस्य और बाद में इसका सदस्य चुन लिया जाता है, तो 14 दिवस में उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। या तो इससे दे या इससे दे, मतलब दोनों साथ एक जगह का ही वो रह सकता है। कहने का मतलब यह है कि केवल एक समय में केवल एक ही सदस्य वह रह सकता है। यह है धारा 42 में। धारा 43 में क्या लिखा है, नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में कि मतलब नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस धारा में वर्णित है। तो धारा 43 देखो, नगर निगम में इसे महापौर कहते हैं, उपाध्यक्ष को उप महापौर कहते हैं, नगर परिषद में सभापति कहते हैं और उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं, उप सभापति। नगर पालिका में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या है, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के पद, नगर पालिका के अध्यक्षों के पद SC ST पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। सिंपल सी बात है कि अध्यक्ष के लिए भी है ना सीटें रिजर्व रहेगी, सीटें आरक्षित रहेगी, है ना। कभी SC की आ रही है, ST की आ रही है, या फिर आपके जनरल की आ रही है, या फिर पिछड़े वर्ग की आ रही है, महिला सीट आ रही है, केवल महिला सीट पे केवल महिला ही अध्यक्ष चुना जाएगा। राज्य सरकार उक्त आरक्षित वर्गों की उक्त आरक्षित पद वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में किए जाएंगे। मतलब आरक्षित पद है ना, तो वहां की जो जनसंख्या रहेगी वहां के अनुपात में सीट रिजर्व की जाएगी कि इस बार कौन सी सीट होनी है। SC ST या पिछड़े वर्गों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 334 में SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए जो है सीटें आरक्षण करने का प्रावधान दिया गया है। तो उक्त जो संविधान 334 है, जो है अनुच्छेद 334 में वर्णित कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। मतलब इसमें कुछ कालावधि दे रखी है कि ये जो रिजर्वेशन है 2026 तक चलेगा, है ना। अगर ये अवधि समाप्त हो जाती है तो यहाँ का रिजर्वेशन, मतलब पंचायती राज सॉरी नगरीय निकायों का जो अध्यक्ष का जो निर्वाचन जो है रिजर्वेशन, वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर इसकी कालावधि बढ़ती है, मतलब इसकी जो डेट एक्सटेंड होती है, मान लो 2036 तक हो गई, तो इस रिजर्वेशन की भी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, प्रत्येक अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो नगर पालिका से 1 माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है, मतलब कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगर पालिका में 1 माह तक उपस्थित नहीं होता है या कर्तव्य पालन करने में असमर्थ रहता है, तो उसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से हटा दिया जाएगा। मतलब 1 माह तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पता ही नहीं कि कहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, नगर पालिका आ ही नहीं रहे, बिना सूचना दिए, बिना छुट्टी मंजूर हुए आ ही नहीं रहे, तो वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट चलो। 6 माह से अधिक कालावधि में के लिए छुट्टी अगर मंजूर करनी है, मतलब 6 माह से अधिक समय के लिए अगर छुट्टी मंजूर नहीं की जाए किसी भी कीमत पर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो छुट्टी मंजूर होगी ना वो 6 माह से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब यह है, जब किसी अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर कर दी जाएगी तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, मतलब अध्यक्ष भी नहीं है, मतलब चेयरमैन भी नहीं है और वाइस चेयरमैन भी नहीं है, अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर हो गई, वाइस चेयरमैन का पद रिक्त है, तो कोई भी मेंबर है ना चुनाव के द्वारा चेयरमैन का पद संभालेगा, ठीक है। नेक्स्ट, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को, VC मतलब वाइस चेयरमैन अपना जो है त्यागपत्र चेयरमैन को देगा और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, राज्य सरकार का कोई अधिकारी होता है उसको व्यक्ति से देता है। तो 30 दिवस की समाप्ति पर, 30 दिवस की समाप्ति पर त्यागपत्र मंजूर कर लिया जाता है। मतलब वाइस चेयरमैन तो चेयरमैन को त्यागपत्र दे देगा और चेयरमैन किसको देगा, कोई ऑफिसर को देगा, है ना, जिला कलेक्टर को देता है या फिर SDM को देता है, जो भी राज्य सरकार नियुक्त करे, ठीक है। तो जब चेयरमैन ऑफिसर को देगा तो क्या होगा कि चेयरमैन का जो त्यागपत्र है, ऑफिसर मान लो नहीं लेना चाहता, त्यागपत्र स्वीकार नहीं करता है ना, तो वो अवधि होगी 30 दिन। अगर 30 दिन के बाद भी नहीं करता है तो वो स्वतः ही त्यागपत्र मान लिया जाएगा, स्वीकृत मान लिया जाएगा।
ठीक, इसका मतलब यह है पद रिक्त होने पर 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव अनिवार्य होगा। सिंपल सी बात है कि अगर पद रिक्त हो जाता है चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन का, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा, जिसे क्या बोलते हैं अपन, उपचुनाव। राज्य सरकार अपरिहार्य कारणों से 3 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 6 महीने तक तो चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार को लगता है कि किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाए, चुनाव कराना आवश्यक है, तो ये अवधि को 3 माह के लिए एक्सटेंड कर सकती है। मतलब अधिकतम 9 माह के लिए चुनाव, 9 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने आवश्यक हैं। निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, मतलब गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये धारा 43 में वर्णित है। धारा 44, ठीक है, धारा 44 में क्या है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा। धारा 43 के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगर पालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मैंने अभी 39 धारा वो पढ़ाई थी ना, उसमें बताया था ना कि जो चुनाव होगा ना अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का, तो क्या होगा उसके अंदर, क्या होगा उसके अंदर, क्या होगा जो चुनाव होगा ना अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का, उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर ये होगा कि जब भी कोई भी है ना चुनाव की जांच की बात आएगी है ना, तो जिला न्यायाधीश करेगा। ठीक है, समझो एक बात को है ना, लेकिन ये जिला न्यायाधीश जांच तभी करेगा, मान लो चुनाव में गड़बड़ हुई है, चुनाव में गड़बड़ हुई है तो सीधा सा है ना कोई भी जाके कोर्ट में रिट नहीं लगा सकता। ठीक है, निर्वाचन याचिका दायर करनी पड़ेगी, निर्वाचन याचिका के अधीन रहते हुए ही जिला न्यायाधीश उस जो निर्वाचन है उसको प्रश्नगत कर सकता है। जिला न्यायाधीश चाहे तो लेखबद्ध कारणों से, मतलब जिला न्यायाधीश को लगता है तो कोई कारणवश, तो वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों से भी उसकी जो है सुनवाई कर सकता है। धारा 44 में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब देखते हैं धारा 45, जो धारा 45 मुख्य नगर पालिका कृत्य, मतलब नगर पालिका के मुख्य क्या क्या काम होंगे उसके बारे में धारा 45 में वर्णन किया गया है। लोक स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य हेल्थ को लेके, स्वच्छता सफाई संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जल निकास, मल वहन, सार्वजनिक मार्ग स्थान तथा मल नालियों, ऐसे स्थानों को जो निजी संपत्ति नहीं है, मतलब ऐसे स्थान जो निजी संपत्ति नहीं है, जो जनता के उपयोग के लिए खुली होती है, हानिपूर्ण वनस्पति को हटाना तथा सभी लोक न्यूसेंसों को समाप्त करना, ये होते हैं मुख्य कार्य, है ना। जैसे हम इसमें बात करें तो, और अभी पढ़ाई करें तो पढ़े तो सार्वजनिक मार्गों, भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना, जैसे आग बुझाना या आग लगने पर जीवन संपत्ति की रक्षा करने का कार्य होता है ना। खतरनाक व्यापारों या घृणा उत्पादक जो व्यापार हैं, व्यवसाय को विनियमित कर सकता है, मतलब कंट्रोल कर सकती है नगर पालिका। सार्वजनिक मार्ग या अन्य स्थान जो निजी संपत्ति नहीं है, उनको वहां पे अतिक्रमण हटा सकती है, बाधाओं को हटा सकती है। ठीक है, मृत जानवरों के शवों के लिए व्यवस्था कर सकती है ना, स्थान को अर्जित कर सकती है, स्थान का मेंटेनेंस कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है ना। कहाँ, किन के लिए, मृत जानवरों के लिए। सार्वजनिक पब्लिक जो है, मतलब सार्वजनिक मार्गों का निर्माण कर सकती है, पुलिया बना सकती है, नगर पालिका सीमा चिन्ह कर सकती है, बाजारों की स्थापना कर सकती है ना, वधशालाओं, मतलब वधशालाओं का निर्माण कर सकती है, नालियों की मरम्मत कर सकती है, नालियां निर्माण कर सकती है, जल निकास कुछ भी कर सकती है, स्नानगार बना सकती है, कुएं तालाब आदि का निर्माण कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है ना। ये चीजें, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण करती है, जनसंख्या नियंत्रण करती है, परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाती है, छोटे परिवारों को बढ़ावा देने के लिए जो है बात करती है, मानव वस्तु के लिए योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करती है, मतलब लोगों के लिए, जो लोगों के विकास के लिए योजना बनाती है ना, कहाँ सड़कें बनानी है, नाली बनानी है, सीवरेज डालनी है, तो ये काम भी नगर पालिका का है। सौंदर्यीकरण या मनोरंजन हेतु बाग बगीचे लगा सकती है, दृश्य स्थल झूले पार्क आदि का विकास कर सकती है, शैक्षणिक खेल संबंधी सांस्कृतिक गतिविधियों को उपलब्ध करा सकती है ना। तो ये सारे काम आपके नगर पालिका करती है। और भी मुख्य काम है, जैसे धारा 46 में हम आगे पढ़ेंगे, तो अन्य कर्तव्य दे रखे हैं, अन्य कर्तव्य
अन्य कृत्य दे रखे नगर पालिका के, तो उसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है। तो हमें जो है मेन मेन हमको ये पढ़ना है कि धाराओं में क्या है, कर्तव्य बहुत सारे, नगर पालिका चाहे या नगर निगम चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बस सिंपल सा अपन को जो कोई भी नियम बनाना है तो बोर्ड मीटिंग में पास करना होता है, ठीक है। तो नगर पालिका इस तरह से कार्य कर सकती है। अब क्या है कि ये वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 46 धारा से लेके 50 तक एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक। और जो मैं और भी जो इसकी कर्तव्य है ना, वो मैं क्या करूँगा, आपको PDF बना के, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है गवर्नमेंट गुरु 2.0, इस पे मैं डालूंगा, ठीक है। और भी अन्य क्वेश्चंस डालूंगा, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लो और PDF वहाँ से मिल जाएगी। ये PDF भी वहीं पे अवेलेबल होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। और ये जो कृत्य है, आने वाले कृत्य हैं जो अभी इसमें बताएंगे अपन, उसकी PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी, इसकी PDF भी मिल जाएगी इस वाले वीडियो की, और इससे पहले वाले वीडियोज़ की भी PDF मिल जाएगी। और भी ऐसे क्वेश्चन या ऐसी जानकारियाँ आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को इसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।